दोस्तों ये है Realme 10 Pro Plus, देख सकते हैं बिना बैक कवर का मस्त लग रहा है, लेकिन बिना बैक कवर का इसको रखना थोड़ा सा टेंशन वाला काम है क्योंकि कर्व डिस्प्ले है। लेकिन ये जो है अभी आप देख रहे हैं ये है Redmi Note 10 Pro का बैक कवर, दो साल के बाद कुछ इस तरह का हाल हो जाता है जो ट्रांसपेरेंट बैक होता है, देख सकते हैं पूरा का पूरा येल्लो दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं है लेकिन ये वाला येल्लो दिख रहा है कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है ये अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट क्या है ये भी मैं लगभग इसको Redmi Note 10 Pro को ख़रीद कर 6 महीना हुआ था और मैंने ये बैक कवर लिया था लेकिन इसको यूज़ नहीं करता था, लेकिन अब यूज़ कर रहा हूँ। खैर बात करते हैं, ये जो है अपना Realme का ऑफिशियल बैक कवर जो अभी एकदम मस्त दिखता है, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा भी येल्लो वगैरह नहीं हुआ है, मस्त दिख रहा है। 3 महीना हो चुका है फ़ोन का लेकिन ये येल्लो नहीं हुआ है, लेकिन इस हाल में फ़ोन आ जाएगा, मतलब कवर आ जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ये है Realme 10 Pro Plus का बैक कवर और इसका प्राइस अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, खैर हैरान होने की ज़रूरत नहीं, हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जो है किस तरह का है, कैसा है, और Redmi का जैसे मैंने लिया था बैक कवर जो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है और अभी के Redmi के फ़ोन में भी मैं लगाता हूँ दोस्तों तो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, जो आपको स्क्रीन में दिखता होगा देख सकते हैं कि बैक कवर कैसा दिख रहा है। खैर यहाँ पर इन दोनों को साइड में रखते हैं और ये ऑफिशियल बैक कवर है, इसको यहाँ पर रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो मैंने बैक कवर ख़रीदा है Realme 10 Pro Plus का वो कैसा है। देख लीजिए Realme 10 Pro Plus यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्लियर केस 2.0 mm का है और ये वाकई में 2.0 mm का है, क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। तो चलिए दिखाते हैं कि इसके मतलब क्वालिटी और ऑफिशियल जो मिला है उसका क्वालिटी कैसा है, तो यहाँ साइड बाय साइड रखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि क्वालिटी यहाँ पर कैसा दिख रहा है और किस तरह का है। वैसे एक चीज़ आपको बताते हैं कि यहाँ पर थिकनेस के बारे में बात किया जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा थिक है, इससे ऑफिशियल जो मिला है उससे ज़्यादा थिक है। यहाँ पर बात करते हैं ओवरव्यू की, तो देख सकते हैं ओवरव्यू अगर फ्रंट का देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, जो आप देख सकते हैं साइड बाय साइड, यहां पर आपको साइड बाय साइड यहां पर पता चलता होगा जो कुछ इस तरह का कटआउट वगैरह आप देख सकते हैं, साइड का भी देख सकते हैं कटआउट वगैरह, मतलब यहां तो नहीं है, यहां पर है कटआउट वगैरह, देख सकते हैं किस तरह का और कैसा दिया गया है जो आपको यहां पर नजर आता होगा दोस्तों। इधर का देख सकते हैं और ये जो है ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली क्या, यहां पर बैक कवर में Realme 10 Pro Plus की ब्रांडिंग दी गई है, जो आप देख सकते हैं यहां पर ब्रांडिंग Realme 10 Pro प्लस की ब्रांडिंग दी गई है जो मैंने बाहर से बाय किया है वो, और यहाँ पर पीछे का मतलब कटआउट देखेंगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो दोस्तों चलिए इसको कवर को लगाते हैं, जो अनऑफिशियल है उसको दिखाते हैं कि फिटिंग वगैरह कैसा है अपने फ़ोन में और कितना ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त लगता है और कर्व नज़र आता है कि नहीं, सबसे बड़ी बात कर्व नज़र आता है कि नहीं, क्योंकि 25,000 का फ़ोन लिया और कर्व नज़र नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पूरा का पूरा कर्व नज़र आ रहा है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कर्व जो है काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और देखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये। और पीछे का फिटिंग, अगर फिटिंग के बारे में बात जाए तो थोड़ा सा फिटिंग में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको हल्का सा ऐसा मतलब क्या बोला जाए कि इसको बैठाना पड़ता है, ये बैठ जाएगा एक बार तो निकलेगा नहीं, लेकिन इसको बैठाना पड़ता है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, इसको हल्का सा बैठाना पड़ रहा है। बाकी यहाँ पर बटन वगैरह के बारे में बात किया जाए तो बटन वगैरह मस्त काम कर रहा है, देख सकते हैं वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन ज़बरदस्त यहाँ पर काम कर रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और यहाँ पर जो बैठा हुआ है देख सकते हैं इधर भी पुट सेंड बटन काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बैठा हुआ है, जो आप देख सकते इस साइड में काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर मतलब देखा जाए तो ये वाला जो है देखिए ऑफिशियली जो मिला है उसका और इसका दोनों का देख सकते हैं लगभग बराबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हैं आपको पता चलता होगा कर्व वगैरह कैसा है किस तरह का है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपर नीचे किस तरह का नज़र आ रहा है वो भी चीज़ यहाँ पर पता चलता होगा, और इधर भी जो ब्रांडिंग दी गई है काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कर्व कितना ज़्यादा है, तो कर्व के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए जो ऑफिशियली है उसको भी हम साइड में रखते हैं और इसको भी हम साइड में रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कर्व यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए हम सामने ले आते हैं
तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कर्व कितना है और नहीं है, देख सकते हैं। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर मिलता है और इसको मैंने बाय किया है लगभग 70 रुपीज़ में। वैसे और भी कम हो सकता था लेकिन 70 रुपीज़ काफ़ी है दोस्तों। और क्वालिटी जो है इससे काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब ये थोड़ा हार्ड है, ज़बरदस्त है, देख सकते हैं एकदम लाइलून टाइप पे आता है। ये थोड़ा सा पतला लगता है देखने में, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ फ़ोन निकल सकता अगर गिरेगा तो इससे निकलेगा, लेकिन इसकी ग्रिप ऐसी है कि इससे फ़ोन अगर गिरेगा तो निकलेगा नहीं। और यहाँ पर अगर आपको कर्व देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का दोनों दिखता है, जो देख सकते हैं इस तरह का कुछ है। तो आपको ये दोनों कवर में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं यही कवर यूज़ करता हूँ, मतलब ये अभी रख यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यू, ये जैसे ही येल्लो पड़ जाएगा तो उसके बाद ये यूज़ करने लगूँगा और कुछ और बाय कर लूँगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट की बात अलग होती है क्योंकि एक अलग लुक एंड फील लगता है, जैसे अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर लगा लेंगे तो ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगने लगता है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लगने लगता है, जो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। देख लीजिए किस तरह का लगता है, कर्व वगैरह भी सब कुछ एकदम डिटेल में आपको पता चल रहा है, किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे रखे हैं दोस्तों तो देख लीजिए यहाँ पर कर्व नज़र आ रहा है, जिस चीज़ का पैसा दिए वो चीज़ नज़र आ रहा है। तो यही है, आपको ये कवर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।